हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रेणुका स्वामी हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है जो कि आपको चौंका सकता है, क्योंकि 12 सितंबर तक अब एक्टर दर्शन और पवित्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब दर्शन ने तमाम जुर्म जो हैं वो कबूल कर लिए हैं और उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो कि आपको भी हैरानी में डाल सकते हैं। बता दें आपको कि दर्शन ने कहा है कि मैंने उसकी छाती और सिर पर लात मारी, पवित्रा घोड़ा ने चप्पल से पीटा, रेणुका स्वामी की पिटाई पर दर्शन का बड़ा कबूलनामा। और वाकई में ये बयान सामने आते ही सनसनी मच गई है। हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु के चर्चित रेणुका स्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे कन्नड़ एक्टर दर्शन, उनकी दोस्त पवित्रा गोड़ा सहित 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 सितंबर तक अब बढ़ा दी गई है। हत्या मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है। चार्जशीट में एक्टर का पुलिस को दिया बयान है जिसमें उन्होंने अपना कबूलनामा किया है। दर्शन ने पुलिस को बताया कि उसने उसकी छाती, गर्दन और सिर पर वार किया और यहाँ तक कि पवित्रा गौड़ा से चप्पल से भी मारने के लिए कहा था। दर्शन ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया, जब मैंने रेणुका स्वामी को देखा तब तक वो निढाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही मारा पीटा गया है। मैंने उसकी गर्दन, छाती और सिर के पास लाते मारी। मैंने उसे अपने हाथों और एक लकड़ी के डंडे से भी मारा। इतना ही नहीं, मैंने पवित्रा गोड़ा से उसे चप्पल से मारने के लिए कहा था। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अब दर्शन ने कबूल कर ली है और सबको चौंका दिया है। बता दें आपको, 33 साल की रेणुका स्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजे थे जिससे दर्शन नाराज हो गए थे। पुलिस ने कहा है हत्या के पीछे यही वजह हो सकती है। इतना ही नहीं, दर्शन का फैन होने का दावा करने वाले रेणुका स्वामी का शव 9 जून को बेंगलुरु के सुमन हल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक बरसाती नाले के पास मिला था। आरोपियों में से एक राघवेंद्र थे और अब इसमें लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं जो कि हर किसी को चौंका रहे हैं। मैं आपको यहां पर ये एक बार फिर से बता दूं कि कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने दर्शन सहित 17 आरोपियों को कपड़ों पर खून के धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित 200 से अधिक परिस्थितियां साक्ष्यों के हवाले कर दिया है। इसमें क्राइम सीन से ली गई एक तस्वीर भी शामिल है जिसमें रेणुका स्वामी को बचाने के लिए विनती करते हुए देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि पवित्रा ने खुद जूतों से उनकी पिटाई की थी और अब दर्शन ने बड़ा कबूलनामा करके सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, पहले दरिंदगी दिखाई रेणुका के साथ दर्शन और पवित्रा ने, और अब दर्शन ने उन तमाम जुर्मों को भी कबूल कर लिया है और सबको चौंका दिया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।